29 तारीख से पुरानी पेंशन बहाली चेतना रथ यात्रा हम पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लेकर के, और 20 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में 20 लाख शिक्षक कर्मचारियों के साथ मैं वहां पर एक रैली करूंगा। अगर सरकार ने उस दिन हमारी पेंशन बहाली नहीं की तो अनवरत धरने पर बैठा रहूंगा जब तक पुरानी पेंशन बहाली का आदेश सरकार हमारे हाथ में थमा नहीं देती, तब तक मैं उस धरने पर बैठा। अभी सरकार ने कोई वार्ता के लिए इस संबंध में कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया है, केवल उनको नोटिस दिया गया है और जानकारी करा दी गई है कि मैं इस आंदोलन के लिए सड़क पर उतरा हूं। अगर आप हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करोगे तो हम 2019 में विपरीत निर्णय चुनाव के लिए लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अगर हमारी पुरानी पेंशन कहां से लोग जाएंगे इसमें शामिल होंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लखनऊ के इको गार्डन में, शिक्षक और कर्मचारी सभी लोग। क्या सरकार के दबाव में उसको स्थगित कर दिया गया? क्योंकि महाहड़ताल करने वाले जो लोग नेतृत्व कर रहे थे वो कभी संगठनों के नेतृत्वकर्ता रहे ही नहीं, ना ही कभी उन्होंने आंदोलन किया और ना ही कभी चुनाव जीत करके संघर्ष में आए। वो केवल थोपे हुए लोग थे और जिनको सरकार ने धमका लिया और उनको कहा गया कि 50 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, तुमको स्क्रीनिंग करके बाहर कर दिया जाएगा। उस भय से वो लोग बाहर हो गए